कपूर जेल में बंद पूर्व मंत्री आजम खान की आज लखनऊ कोर्ट में पेशी होगी। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी आजम खान के समर्थन में ट्वीट किया। उधर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा लोक भवन में भी सड़क सुरक्षा को लेकर अहम बैठक होगी। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के बारे में आज आपको बताएंगे क्या कुछ उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें जो है रहने वाली हैं। आजम खान की लखनऊ में आज पेशी होगी। वहीं इसी खबर पर उत्तर प्रदेश से संपादक प्रदीप विश्वकर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, आज की उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के बारे में जानेंगे, क्या बड़ी खबरें हैं आज की उत्तर प्रदेश की और सीएम योगी के क्या कुछ कार्यक्रम हैं आज के? पंडित, आज उत्तर प्रदेश की निगाहें सिर्फ कोर्ट पर रहेंगी। ज्यादातर कोर्ट के केसेस हैं, तीन महत्वपूर्ण कोर्ट केसेस हैं जिन पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन उससे पहले हम जरा मुख्यमंत्री का आज का दिन का कार्यक्रम देख लेते हैं। सुबह उन्होंने अपनी जो टीम नाइन है उसके साथ में बैठक किया। उसके बाद अब वो जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत, उनके साथ से बैठक करेंगे। लंबी बैठक होगी है, उनके साथ से विचार विमर्श करेंगे और उसके बाद में शाम को लोक भवन में जैसे वो विभागों का प्रेजेंटेशन देखते हैं, आज भी वो विभाग एक विभाग का प्रेजेंटेशन देखेंगे। तो दिन भर उनका कार्यक्रम आज व्यस्त रहने वाला है। लोगों से मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ ही सारे काम भी करते हुए जाएंगे। अब हम बात करें जो अभी चर्चा कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में आज निगाहें सिर्फ कोर्ट पर रहेंगी। तीन बहुत अहम आज कोर्ट के वो है, कोर्ट की में प्रोसीडिंग्स है जिसको देखा जाएगा। 12 बजे आज ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर के फैसला आना है। हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई थी और फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। आज 12 बजे उस पर फैसला आना है कि ज्ञान व्यापी मस्जिद में जो कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए थे उनको लेकर के कोर्ट क्या फैसला लेती है। उसके अलावा तमाम दूसरे पहलू है, उस पर क्या रिजल्ट आएगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा। दूसरा बड़ा मामला पूर्व मंत्री और सांसद आजम खान का है, जो सीतापुर जेल में अभी तक बंद है, करीब 2 साल से बंद है जेल में। आज उनकी लखनऊ में पेशी है और सीबीआई कोर्ट में उनकी लखनऊ में पेशी है, उस पर हमारी नजर रहेगी, उत्तर प्रदेश की नजर रहेगी कि आखिर उनको इस केस में क्या मिलने जा रहा है। ये अलग बात है कि उनको 87 केसेस में जमानत मिल चुकी है, लेकिन अभी भी उन्हें जेल में ही रहना पड़ रहा है क्योंकि अब ईडी ने उन पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जो जमीन उन्होंने ली थी उसकी पैमाइश उन्होंने शुरू कर दी है। और तीसरा बड़ा केस है आगरा का। आगरा का जो ताजमहल है उसमें जो 20 कमरे हैं उन कमरों को खुलवा करके उसकी जांच कराने का भी मामला आज कोर्ट में है। इस पर कोर्ट क्या निर्णय देगी ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। तो ये कुछ अहम, बहुत ही अहम खबरें हैं जो आज दिन भर हमारी नजरों में रहेंगी और हम लोगों को पल पल की अपडेट भी करते रहेंगे। ठीक है, शुक्रिया प्रदीप जी इन तमाम जानकारियों के लिए और उत्तर प्रदेश की खबरों के बारे में आपने रूबरू कराया। सो फिलहाल बड़ी खबरें जो हैं प्रदीप जी बता रहे थे कि आज उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी बड़ी खबरें रहने वाली हैं। वहीं यूपी के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, उनके भी आज कई बड़े कार्यक्रम रहने वाले हैं।